हेलो, वेलकम टू माय चैनल फॉर डेली लाइफस्टाइल। आज हम बनाने जा रहे हैं सोयाबीन चिली घर पे आसानी से। आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं, एक बार ज़रूर बनाएं। आइए हम लोग देखते हैं इसके लिए क्या क्या लगेगा। सोयाबीन को मैंने पहले से ही पानी में छोड़ दिया था, नॉर्मल पानी में। फूलने के बाद मैं सोचा धो के इसका पानी निकाले। उसके बाद मैंने इसमें नमक डाला है, जीरा पाउडर डाला है भुना हुआ, और लाल चिली रेड चिली पाउडर डाला है, लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद मैंने 2 चम्मच दही डाली है। उसको अच्छे से मिला के 10 मिनट फिर रेस्ट पे देना है। इसके बाद भी कुछ इस तरह से है। दही डालने से सोयाबीन बहुत कुरकुरारे बनेंगे। उसके बाद मैंने इसमें ब्लैक पेपर और अजीनोमोटो डाला है। उसके बाद मैंने इसमें गाजर कट कर लिए है, अदरक लहसुन और शिमला मिर्च, प्याज मिर्च सबको मैंने अच्छे से कट कर लिया है। आप इसे किसी भी शेप में काट सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सबको मैंने अच्छे से कट करने के बाद मैंने एक कढ़ाई में 1 बड़े चम्मच ऑयल लिया है। उसमें मैंने सोयाबीन मुझे फ्राई करने हैं, जो मैंने 10 मिनट रेस्ट पर रखे थे, उसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद ये इस तरह से हैं, इनको फ्राई करके निकाल लेंगे। जो कढ़ाई में तेल भरा था उसी में मैंने थोड़ा सा अदरक लहसुन और मिर्ची डाल दी है। इसको मैं थोड़ा फ्राई कर लूँगी, ये थोड़े गोल्डन गोल्डन हो गए हैं। उसके बाद मैं इसमें प्याज डाल दूँगी, इसको हल्का सा सॉफ्ट करूँगी, इसका थोड़ा क्रंच बना रहे। उसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी गाजर जो काटी थी मैंने उसको ऐड कर दूँगी। उसको थोड़ा सा अच्छे से भून लेंगे, हम इसको तेज गैस पे ही अच्छे से भूनना है। उसके बाद मैं इसमें शिमला मिर्च डालूँगी। शिमला मिर्च अच्छे से फ्राई करने के बाद 1 चम्मच विनेगर, 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच टमाटो सॉस डालूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसे मैंने काली मिर्च और टमाटो डाल दिया था, और उसके बाद मैं थोड़ी सी चीनी डाली है, आप 1/4 चम्मच चीनी डालें। उसके बाद सबको मैंने कढ़ाई में डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर कुछ इस तरह से है। उसके बाद मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। कॉर्नफ्लोर को मैं उस कटोरी वाले पानी में ही जो बचा था उसी में डाल के मिक्स कर दिया, इसमें डाल दिया है। इसको मैं 1 से 2 मिनट चलाने के बाद मैंने इसमें सोयाबीन ऐड किया। सोयाबीन डालने के बाद हमें इसको 1 से 2 मिनट सिर्फ चलाना है तेज गैस पर। ये कुछ इस तरह से हो जाएंगे। उसके बाद इसको सर्व करना है। आप ये सर्व करेंगे कुछ इस तरह से हैं। आप इसको रोटी, चावल, नान जिसके साथ खाना चाहे सब खाएँ। और ये बहुत टेस्टी रेसिपी, इजी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई